लापरवाही के साथ जर्जर बिल्डिंग को गिराना भारी पड़ गया। बिल्डिंग भरभरा कर गिर पड़ी। गिरती बिल्डिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। मामला थाना छत्ता क्षेत्र के केदारनाथ सेक्सेरिया इंटर कॉलेज के सामने का है। लापरवाही पड़ गई भारी, भरभरा कर गिर गई बिल्डिंग, मच गई अफरा तफरी। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, आपकी समझ में बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन बाकी का हम आपको समझा देंगे। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर मामला क्या है और कहां का है, कैसे बिल्डिंग भर भरा कर गिर गई। मामला थाना छत्ता बेलनगंज केदारनाथ सक्सेरिया इंटर कॉलेज के सामने का है। एक जर्जर बिल्डिंग जो कि बेहद पुरानी है, मौसम बारिश का है। बिल्डिंग को तोड़ने का काम चल रहा था, बिना कोई उपाय किए बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा था। इसी बीच बिल्डिंग दरकने लगती है। सामने खड़े व्यक्ति इस नज़ारे को देख लिया और आवाज लगाकर सभी को हटा दिया। बिल्डिंग में मजदूर भी थे, आसपास लोग भी थे। मैं छज्जे पे था, इधर बाहर जो चबूतरा है मेरी बिल्डिंग का, और ये सामने वाले जो बघेल साहब हैं उनके लड़के ने एकदम हल्ला किया, भाई साहब इसमें से धुआं निकल रहा है। तो मैंने फटाफट इनकी लेबर को भी बराबर से और अपनी लेबर को भी मैं एकदम कहा बाहर आओ। अच्छा। बाहर एकदम आए सो हमने ये दोनों साइड में एक मिनट में ईंट बिछवाई, दो मिनट में ये गिर पड़ी है। अच्छा, आपने हल्ला मचा दिया। हाँ, हल्ला मचा दिया, दोनों साइड बाउंड्री कर दी, क्योंकि पब्लिक को आना जाना बहुत है। उसके बाद गिर गई है। हाँ, उसके बाद बिल्कुल हमारे सामने गिरी है। ये मकान उतर रहा था तो एकदम धड़धड़ा के पूरा गिर पड़ा, बहुत बड़ा हादसा हो रही थे, बच गया। हाँ, पुराना मकान था, दीवार। हाँ, ऊपर लेबर काम कर रही थी, उतार रही थी, यानी क्या कर रही थी, चार पांच दिन से काम चल रहा था, और एकदम पूरा सवेरा एक हादसा हो गया, बच गया। मतलब बहुत बड़ा हादसा होते बच गया। जैसे ही बिल्डिंग गिरी अफरा तफरी मच गई, जोर का धमाका भी हुआ, तमाम लोग इकट्ठा हो गए। मौके पर थाना छत्ता पुलिस भी पहुंच गई, एडीए के अधिकारी भी पहुंच गए। बिल्डिंग के बराबर से दो बिल्डिंग बनी हुई है, एक बिल्डिंग बस बच गई। दरअसल बराबर वाली बिल्डिंग ने कुछ दिन पहले ही बीम खड़े कर दिए, जिसके चलते बिल्डिंग बच गई, अन्यथा बराबर की बिल्डिंग भी धराशायी हो जाती। ये अभी हाल फिलहाल ने एक राजीव गर्ग जी हैं, उन्होंने लिया था ये मकान और ये उतरवा रहे थे, बिना पार वगैरह बांध के सुरक्षा मानकों को पूरा न करते हुए ये उतार रहे थे। आज सवेरे 10:30 बजे करीब ये भरभरा के नीचे गिर गई। ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा खैर हुई है कि वो कोई हादसा नहीं हुआ। सामने एक केदारनाथ आर कन्या इंटर कॉलेज है, गर्ल्स का है। आज कम स्टूडेंट थे, इस कारण कोई हादसा नहीं हुआ। ये बगल वाले कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे नया, उसको उतरवा के तो मेरी बिल्डिंग का एक आधा पार्ट गिर गया है। वो तो नुकसान काफ़ी हो गया और आप तो वीडियो में देख ही रहे होंगे, और बच्चे बच गए। पुलिस वाले यहाँ पे पेपर चल रहे हैं उनके, वो बच गए। आज पेपर नहीं था, बस ये हमारी मरम्मत हो जाए, ठीक ठाक हो जाए। हमारे कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है और छोटा भी नहीं है, दोनों बात है। हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, बस ये हमारा काम सही तरीके से करवा दें। बिल्डिंग को बिना किसी सुरक्षा के तोड़ा जा रहा था, ना कोई शटरिंग लगाई गई थी, ना मजदूरों के पास कोई सामान था जिससे हादसा होने के बाद सिर को बचाया जा सके। लगातार बारिश जर्जर और पुराने मकानों के लिए आफत बन रही है, ऊपर से लापरवाही। इस मकान के साथ भी ऐसा ही हुआ। मकान बेहद पुराना है, आप खुद देख सकते हैं, ईंट देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मकान कितना पुराना था। ककैया ईंट का बना हुआ है और इस मकान पर निर्माण कार्य चल रहा था, कोई बाड़ नहीं बांधी गई थी। मजदूर बिना किसी सुरक्षा के काम कर रहे थे, अचानक मकान धड़कना शुरू होता है, हल्ला मचाया जाता है और मजदूरों को हटा दिया जाता है, आसपास के लोग भी हट जाते हैं। देखते ही देखते मकान धराशायी हो जाता है, जैसा कि वीडियो में दिखाई भी दे रहा है। सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि कोई व्यक्ति नहीं था, जो थे उन्हें हटा दिया गया। आवागमन हमेशा बना रहता है, काफ़ी व्यस्तम बाजार से रास्ता निकलता है, हमेशा आवाजाही बनी रहती है। गर्ल्स इंटर कॉलेज भी पास में है, बस बड़ा हादसा टल गया। इसी तरह से लापरवाही बरती जाती है, हादसा हो जाता है, लोगों की जान संकट में
फंस जाती है, यहाँ तक कि जान तक चली जाती है। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।